अब तक की तरीन सबसे फास्टेस्ट राइड है, 8 घंटे में 700 किलोमीटर। प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि सूरज की वजह सीधे आंखों पर लग रही है, बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, आँखें ही नहीं खुल रही थी मेरी। कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं नींद बोला तो चढ़ा देता। तो ये है रनवे जो बनाया गया है जेट उतारने के लिए। अरे बिल्कुल आएगी, तब क्या आप लोग भी आएंगे। सही है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। और मैं हूँ अभी आगरा में, नेपाल सीरीज का आखिरी एपिसोड है ये, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ आगरा से लेकर वाराणसी तक। मैं जिस होटल में कल रुका था, एमडी ग्रैंड होटल है आगरा पे, अच्छा होटल है। मतलब ये अभी आगरा एग्जैक्टली नहीं आया, अभी आगरा यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे है मेन शहर। तो रात में 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा और मुझे यहाँ पर रूम मिल गया, तो मैं रुक गया। ये रूम मुझे पड़ा है 1000 रुपये का, ठीक है। निकलेंगे यहाँ से आगे बनारस के लिए, क्योंकि मेरा घर है फाइनल डेस्टिनेशन। तो टाइम हो गया है सुबह के 6 और बाइक भाई अपनी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जंप स्टार्ट कराया है धक्का मार मार के, फिर जाके स्टार्ट हुई है। एक्चुअली कल रात में मैंने बाइक को लाइट ऑन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बैटरी बिल्कुल ठुस हो गया था। स्टार्ट हुई है कैसे कैसे करके, वो उसी पर ट्रैफिक टाइम लग गया। निकलते हैं अब फटाफट से, पूरी बॉडी गर्म हो गई थी सुबह सुबह ही, बट अभी सही लग रहा है। तो भाई सुबह सुबह क्या मस्त सनराइज़ लग रहा है, सूरज इतना बड़ा दिख रहा है ना, ओ हो ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा के मेन शहर। मैं पूरा आगरा क्रॉस कर रहा हूँ एक साइड से दूसरे साइड में। दिन में तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता होगा। आगरा भी काफ़ी डेवलप हो गया है, मेट्रो मेट्रो देख रहे हैं, पेठे की दुकान देखो लाइन से भाई, पंछी पेठा, पाठा, सादा पेठा। फाइनली हम चढ़ने वाले हैं दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। ओ सही है बेटू, सही है। फाइनली टोल आ गया लखनऊ तक 330। अभी यहाँ पेट्रोल पंप कितना आगे होगा, 80 किलोमीटर। प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि सूरज की वजह सीधे आँखों पर लग रही है, मैं अपना गॉगल्स लगाना भूल गया हूँ और आँखें मेरी खुली नहीं रही हैं। क्या भाग रही है बाइक अपनी, मज़ा आ रहा है ब्रो। आने वाला है पेट्रोल पंप, वहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ बैटरी को फिर से। बैटरी तो बिल्कुल लो हो चुकी थी, कॉन्टिन्यूस 1 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ, अब बैटरी चार्ज तो हो जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। ये पेट्रोल देखो कितना आता है भैया, वो तो रही है भैया, पेट्रोल डलवा लिया। और एक गुड न्यूज़ ये भी है, बाइक अपनी स्टार्ट होने लगी है। रुकते हैं देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। कहाँ लगाऊँ, छाँव में लगाना था, देखते हैं। क्या नाम है, ओके कैसे हो, ठीक है, हैंडशेक कर लिया, आ जाओ आगे आ जाओ इधर इधर। सुबह से कुछ खाए नहीं है, जोरों की भूख लग रही है मुझे, अभी चल रहा हूँ बस। ये सामने फूड प्लाजा है, ब्रेकफास्ट स्नैक्स लंच डिनर खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो भैया अपना पराठा अब शायद तैयार आ गया है, उसमें से आधा मैंने पराठा खा भी लिया है, क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लग रही थी मुझे। पनीर पराठा है और ये है चाय और ये है अचार। बड़ी तेज़ धूप लग रही है आँखों पे, बाइक अपनी वो सामने खड़ी है। अभी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ओपन हो गई है यार यहाँ पे, पहले जब आया था तो बहुत कम ही शॉप थी यहाँ पे, एक ही दो शॉप थी, बाकी तो सब बंद थी। अब काफ़ी सारे शॉप्स ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। वाराणसी देख के
सही है भाई, सही है। और दोस्तों चलो ठीक है, मेरा YouTube पे चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। ब्रेकफास्ट हो गया, चाय वाय पी के अब थोड़ी एनर्जी आ गई है और अब मैं निकल रहा हूँ आगे। ओहो हो, मज़ा आ गया। एक्सप्रेसवे की सबसे नेगेटिव बात मुझे ये लगती है, यहीं पे रुकने के लिए अच्छी से छांव वाली जगह नहीं है, धूप में ही रुकना पड़ेगा। यही सोच रहा हूँ कि भाई कहीं कुछ मिल जाए ऐसा जहाँ थोड़ा साइड में रोक के पानी वानी पिया जाए, लेकिन कोई ऐसी जगह है ही नहीं। बहुत ही तगड़ी वाली नींद आ रही थी, थोड़ा पानी पीते हैं। इतना बोरिंग होता है ना एक्सप्रेसवे, क्या बताऊँ। बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, आँखें ही नहीं खुल रही थी मेरी। बस फटाफट से ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो, शहर आ जाएगा ना तो थोड़ा सही रहेगा। एक्सप्रेस वे बहुत बोरिंग होता है। तो ये है रनवे जो बनाया गया है जेट उतारने के लिए, और अभी ये कुछ टाइम तक बंद भी था यहाँ से गाड़ियों का आना जाना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जेट का उतारने का प्रैक्टिस हो रही थी। देख रहे हैं क्या सही रनवे बनाया ये। 75 किलोमीटर और रह गया है लखनऊ, और गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। टाइम हो रहा है 10:30 और आ गया है टोल गेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनऊ में। अब बहुत ही बोरिंग था यार, सच में बहुत बोरिंग। ये वीडियो आएगी ना? अरे बिल्कुल आएगी, यहाँ की आएगी, यहाँ की। तब क्या, आप लोग भी आएंगे। चलिए ठीक है, हर जगह प्रचार करते चलो। बहुत ही लंबा एक्सप्रेसवे था, 302 किलोमीटर का। हालत ही ख़राब हो गई थी भाई इस एक्सप्रेसवे पे तो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी लखनऊ शहर को क्रॉस करने की, क्योंकि मैं बिल्कुल पीक टाइम पे लखनऊ में एंटर किया हूँ, 11 बजे 10:45। इतना खाली खाली लखनऊ कैसे है भाई, आज लगी ना सड़क पर कोई है गर्मी की वजह से। अच्छा अच्छा, आज है ईद। ओहो भाई, ईद की छुट्टी मना रहे हैं लोग। गर्मी हो गई भाई, बहुत गर्मी हो गई है। अभी अप्रैल के मंथ में इतना गर्म है तो भाई मई जून में क्या होगा। आगरा, आगरा सीधे। हाँ एक्सप्रेसवे से। एक बड़ा ग्लास। क्या कर रहे हैं? बनारस है? बनारस। हाँ भाई यहाँ पे रुके हैं करने का जूस पीने के लिए। नींबू और पुदीने डाले? ठीक है भाई। इतनी भीड़ क्यों लग जाती है भाई। तो भाई अभी मैंने राइडिंग जैकेट उतार दिया है, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी लग रही थी। ओहो लुलू मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है यार ये, बहुत ही बड़ा मॉल है लुलू मॉल। आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अपने को जाना है इसी पे। पानी का बोतल नहीं लिया है मैंने एक भी। बैन अली, बैन अली, हाँ एस्केलेटर वाला काम ना। सही है, बच्चे भी ना। अब हम चढ़ने जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ओ
एक और एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर का है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सट्रीम गर्म हवा चल रही है, अब बस यही मन कर रहा है फटाफट से क्रॉस करो इसको और घर पहुंचो, इतनी गर्मी है ना, बाप रे बाप। वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तब मेरे को जाना है सुल्तानपुर तक, 103 किलोमीटर जाना है बस। चलो ये ज़्यादा लंबा एक्सप्रेसवे नहीं है, 121 किलोमीटर का ही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ 3 ही एग्जिट है, एक सुल्तानपुर, एक आजमगढ़ और एक गाजीपुर। सबसे पहले आएगा सुल्तानपुर, फिर आएगा आजमगढ़, फिर आएगा गाजीपुर। तो सबसे पहले एग्जिट से नीचे उतरना है सुल्तानपुर वाले से। कहाँ जाना? सुल्तानपुर वाराणसी के लिए। वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, चलाते हैं। अमन बनारसी, अमन बनारसी, आप लोग कोई वीडियो में ले लेंगे। चलिए ठीक है, टाइम हो रहा है 12, अभी भी 103 किलोमीटर बचा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखते हैं 103 किलोमीटर कितने देर में क्रॉस होता है, एक घंटे में होता है या नहीं होता है। चलो लेट्स गो। तो ये टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतरने का टाइम आ गया। एक घंटे में 121 किलोमीटर 120 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाई है मैंने। इतनी उबलती हुई गर्मी पड़ रही है ना, भट्टी में बाइक चला रहा हूँ मैं, गर्म गर्म भट्टी के अंदर। अयोध्या के लिए राइट, बनारस के लिए लेफ्ट। ये सड़क ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे एक्सप्रेसवे से, एटलीस्ट यहाँ लोग दिख रहे हैं, अगल बगल पेड़ है, खाने पीने का व्यवस्था है। थोड़ा स्पीड कम है लेकिन भाई ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये मज़ा भी आ रहा है इसमें। देखो ये सब लोगों को कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं नींद में होता तो चढ़ा देता। तो यही है भाई राइड करने का असली मज़ा, गांव के बीच में से ही ये सड़कों पे ही मज़ा है, वो एक्सप्रेस वे में वो मज़ा नहीं है यार। दो बजने वाले हैं और 100 किलोमीटर और बचा है बस, हम पहुंच जाएंगे अपने घर। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है भाई, बस अब रुकना नहीं है, सीधे घर पहुंचना है, 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप। फाइनली वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र आपका स्वागत करता है। ओ 8 घंटे में 700 किलोमीटर की राइड कंप्लीटेड, अब तक की फिर सबसे फास्टेस्ट राइड है 8 घंटे में 700 किलोमीटर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया। तो टाइम हो रहा है अभी 2:45 और मैं बनारस में एंटर मार गया, अभी घर आने में टाइम है। फाइनली मैं अपने बाइक से वापस आ चुका हूँ बनारस अपने घर। कैसा लगा ये नेपाल सीरीज ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलेंगे बहुत जल्द ही एक नए एपिसोड में नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।